हैं नाइन न्यूज। एसपीएन नाइन न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ नेहा। पांच राज्यों में से तीन राज्यों में भाजपा की जीत पर कांग्रेस नेताओं की तरफ से भी बयानबाजी शुरू हो गई है, लेकिन कुछ नेता ऐसे हैं जो यहाँ पर कांग्रेस की कमी बता रहे हैं उनकी हार को लेकर। बता दें आपको कि हिंदी पट्टी के तीन राज्यों में हार को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि भाजपा में पीएम मोदी के अलावा कोई नहीं है। उन्होंने कहा कि भाजपा ये मानती है कि विधानसभा चुनाव में पार्टी को मिली जीत भाजपा आरएसएस या विश्व हिंदू परिषद को नहीं बल्कि पीएम मोदी की जीत है। संसद के शीतकालीन सत्र में हिस्सा लेने पहुंचे कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी से पत्रकारों ने विधानसभा चुनाव नतीजों को लेकर सवाल किया तो उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में पीएम मोदी बनाम बघेल था, राजस्थान में पीएम मोदी बनाम गहलोत था। हमने देखा कि पीएम मोदी दिल्ली छोड़कर चुनाव जीतने के लिए गांव-गांव घूम रहे हैं। भाजपा में पीएम मोदी के अलावा कोई नहीं है। भाजपा मानती है कि यह पीएम मोदी की जीत है, न कि भाजपा आरएसएस या विश्व हिंदू परिषद की। संसद के शीतकालीन सत्र में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ कैश फॉर क्वेरी मामले में एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट पेश की जा सकती है और इसे लेकर अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि हम किसी भी निष्कासन का विरोध करेंगे, यह नहीं होना चाहिए। हमने एक पत्र लिखा है जिसमें कहा है कि संसद के मुद्दे संसद के भीतर निपटाए जाने चाहिए। तो यहाँ पर अब ये कयास लग रहे हैं कि कांग्रेस की हार के बाद कितने नेता यहाँ दल बदल कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि जब भी कोई चुनाव होता है तो चुनावों के दौरान यहाँ पर ये देखा जाता है कि जो नेता हैं दल बदलना शुरू कर देते हैं। जैसे कि 2018 में मध्य प्रदेश में हुआ था कि जब भाजपा वहाँ पर देखा गया था कि 2018 में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस को छोड़कर भाजपा का दामन अपने विधायकों के साथ थाम लिया था। राजस्थान में देखने को मिल सकता है कि वसुंधरा राजे यहाँ अपने विधायकों को अलग थलग करती नजर आ रही है। तो ये देखिए यहाँ पर भी देखना होगा कि कांग्रेस के कितने नेता भाजपा का दामन थामते नजर आते हैं। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और देखते रहिएगा एसपीएन9 न्यूज। धन्यवाद।